हेलो बच्चों, 30 गढ़ के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के मासिक मूल्यांकन का समय आ गया है। आप सभी के प्रश्न पत्र विद्यालय में पहुंच चुके हैं। उन प्रश्न पत्रों के अलावा आपको 5 अंक का प्रायोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। तो जुलाई माह का जो प्रायोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट कार्य आया हुआ है, उसके बारे में मैं कक्षा 6 के सभी विषयों को बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, जिससे अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट कार्य बनाएं और 5 अंक प्राप्त करें। ये जो मूल्यांकन माह जुलाई का होगा, मासिक मूल्यांकन, जो कि आगे भी जुलाई के बाद अगस्त में होगा, सितंबर में आपका त्रैमासिक परीक्षा, अक्टूबर नवंबर में फिर मासिक परीक्षा, दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा, जनवरी फरवरी में मासिक मूल्यांकन और मार्च में वार्षिक परीक्षाएं होंगी। उसी का पहला जो आकलन ये होना है, मूल्यांकन होना है, उसी का प्रश्न पत्र आया है। इसमें कुल 25 अंक का प्रश्न पत्र है, जिसमें से 20 अंक आपके अलग अलग प्रश्न हैं और 5 अंक का प्रोजेक्ट कार्य है, जो 2 से 3 दिन में आपको करने को दिया जाएगा। आप अपने विद्यालय के शिक्षकों की सहायता से या अपने घर की सहायता से करके जमा करेंगे, जिससे आपको 5 अंक अलग से मिलेगा। कक्षा 6 के विषय हिंदी में, इसमें सभी प्रश्न पत्र में 2 भाग रहेंगे, खंड आ में 20 अंक का और खंड बा का प्रोजेक्ट कार्य रहेगा, जो कि 5 अंक का होगा। तो आप देखिए, हिंदी में आपको दिया गया है, अपने परिवेश में आपने कई सड़क चिन्ह संकेत देखे होंगे, किन्हीं 5 सड़क चिन्हों संकेतों का चित्र बनाते हुए इनके बारे में लिखिए। इसके लिए एक बड़ा सा चार्ट पेपर या ड्राइंग शीट जिसको बोलते हैं, उसको ले लीजिए और उसमें चिन्हों को बनाना है। जैसे आप एक चिन्ह बनाएंगे, ऐसे इसको लिखेंगे, दाएं मुड़ने के लिए। फिर रोड रहती है, रोड में आप जानते हैं ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग बने रहते हैं, आपको चिन्ह बना हुआ है, इसका नाम लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। इसको किसके लिए उपयोग किया जाता है? पैदल लोगों को सड़क पार करने के लिए। तो आप इसमें 3 कॉलम बना सकते हैं, एक होगा आपका चिन्ह, दूसरा रहेगा चिन्ह का नाम और उपयोग। इसी तरह आप हार्न बना लेंगे, हार्न ऐसे बनता है, उसमें ऐसे चिन्ह रहता है और ऐसे लाइन क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? हार्न बजाना मना है। इसी तरह के आप चिन्हों को बहुत सारे आप देखे होंगे, उनको आप चित्र बनाएंगे, उनके उपयोग को लिखेंगे, इस तरह सुंदर से एक चार्ट अपने ड्राइंग शीट में बना लेंगे, तो आपका हिंदी का यह प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो जाएगा। अगला विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी में है, ड्रा योर फेवरेट प्लांट ट्री एंड डिस्क्राइब इट। मतलब आपका जो भी पसंदीदा पौधा या पेड़ है, उनमें से किसी एक का बढ़िया सा चित्र बना लेना है और उसके बारे में बता देना है। कोई भी पौधे का चित्र बनाएंगे तो उसमें जो भी रहते हैं, जैसे एक पौधे का आप चित्र बना रहे हैं तो उसमें पत्तियां भी होंगी, कुछ फूल भी हो सकते हैं, फल भी हो सकते हैं, जड़ भी होंगे। तो आप पत्तियों को लीफ लिख देंगे, फल को फ्रूट लिख देंगे, फ्लावर, स्टेम, रूट, और इनके बारे में अच्छे से लिखेंगे कि जो भी पौधा या पेड़ का चित्र आप बना रहे हैं उसका क्या उपयोग है, उसके फल को क्या किया जाता है, उसके पत्तियों से क्या लाभ है, ये सब आप डिटेल में लिख देंगे तो प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा। ये आपका कक्षा 6 के संस्कृत का प्रायोजना कार्य है। इसमें लिखा हुआ, विद्यालय के गतिविधियों पर आधारित प्रायोजना बनाइए। तो आपके विद्यालय में विद्यालय लगने से छुट्टी होने तक जो भी गतिविधियां होती हैं उनको अच्छे से लिखना है। सप्ताह में जैसे बैगलेस डे होता है, उस दिन कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, कौन से खेल कराए जाते हैं, उनके बारे में लिखना है। विद्यालय को जैसे एक दिन से लिखेंगे तो प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है, तो उसमें कौन कौन से प्रार्थना, जैसे राजगीत होता है, राजगीत के बाद शपथ का आयोजन होता है, नीति वाक्य होता है, समाचार पत्र का वाचन होता है, राष्ट्रगान होता है, कहानी होती है, कविताएं होती हैं, दिन भर और कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, सप्ताह में मासिक में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, उन सबको आपको क्रम से लिख लेना है, ये प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा। अगला विषय है गणित। इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच पाए जाने वाले विभाज्यता संबंध क्या है? 26 में 6 का भाग करके विभाज्यता संबंध को स्थापित कीजिए। जैसे 26 में 6 का भाग करेंगे तो 26 भाज्य भाजक 6 कहलाएगा, उसको हल करने पे जो उत्तर आएगा उसको भागफल कहते हैं, जो बचता है उसको शेष बोलते हैं। संबंध क्या है? भाजक और भागफल का गुणा करके जब शेष जोड़ते हैं तो भाज्य आ जाता है। ये आपका गणित का भी हो जाएगा, इसको बाकायदा जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह आपको लिखना पड़ेगा। आपका अगला विषय है विज्ञान।
जल की बचत के तरीकों पर पोस्टर बनाइए तथा जल बचत के कुछ नारे बनाकर विद्यालय के सूचना पटल पर लगाइए। आपको एक ड्राइंग शीट लेना है जिसमें जल के बचत के तरीकों को बताना है, जैसे बारिश के पानी को छत से इकट्ठा करके जो सोखता टंकी बनाते हुए बारिश जल संग्रहण करते हैं, तालाब के माध्यम से, छोटे डैम के माध्यम से जल बचत के जो भी तरीके हैं, साथ में जल के कटाव के लिए पेड़ लगाए जाते हैं जल का कटाव ना हो, तो जल संरक्षण का आपके पुस्तक में दिया हुआ है उससे सही चित्रों को आपको बनाना है और जल बचत से संबंधित कुछ नारे बनाकर सूचना पटल पर लगाइए। तो आप बहुत सारे नारे याद भी होंगे, सुने भी होंगे कि जल ही जीवन है, जल को बचाना बहुत ही आवश्यक है, ऐसे बहुत सारे नारे बनाकर आपको तैयार करना है और अपने स्कूल में लगा देना है। इसके अलावा अगर ये नहीं हो रहा है तो आप दूसरा वाला करके देखिए, आपके अगर शिक्षक करवाते हैं तो शाला में पर्यावरण दिवस का आयोजन करें एवं संबंधित पोस्टर बच्चों से बनवाएं। इस पोस्टर को विद्यालय में शिक्षक भी कार्यक्रम आयोजित करवा के बनवा सकते हैं। अगला विषय है सामाजिक विज्ञान। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की जानकारी निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से लिखिए। आपको इसको अच्छे से लिखना है कि मंदिर कहाँ पर है, किस जिले में है, यह मंदिर किससे निर्मित किया गया है, यह मंदिर किस नदी किनारे बसा हुआ है, 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य किसकी राजधानी थी। ये सभी जानकारी आपके सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में है तो आप तो पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर मंदिर कहाँ पर है, सिरपुर में है, किस जिले में, रायपुर में है, मंदिर किससे निर्मित किया गया है, तो पतित के द्वारा निर्मित है। इसी तरह आप सारी जानकारी इसमें प्रश्नों के उत्तर देते हुए लिख लेंगे तो ये भी प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ही सहयोगी साबित होगा। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।